हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये 3 से 4 साल के बच्चे का स्वेटर है जो मैंने पहले पार्ट 1 में बनाया था, उसका ये पार्ट 2 है। आइए देखते हैं। देखो ये बन गया हमारी 10 लाइन कंप्लीट हो गई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। इस धागे को हम कट नहीं करेंगे, ये ऐसे, और इस धागे को हम इधर लगा देंगे। देखिए 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3, और फिर उसी तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पर इस चैन के ऊपर एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया लेंगे, और ये हमारा फ्रंट साइड से जो हम ले रहे बना रहे हैं ऐसे, अब हमें यहाँ पे इसमें एक डबल क्रोशिया बढ़ा देनी है। पहले हम 4 ले रहे थे, अब यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया लेनी है। देखिए 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन लेंगे, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और लेनी है, 1, 2, 3। इसमें क्या हुई, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया और 1 चैन, फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन ली हमने यहाँ पे, फिर 3 डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से हमें ये आगे बनाना है। एक लाइन हमें इसकी बनानी है 3 डबल क्रोशिया 1 चैन लेते हुए, और एक लाइन उधर से हमें धागा कट कर देना है। फिर वहाँ पे देखिए, अभी मैं बताती हूँ, बनाने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्त, ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर धागा कट कर देंगे इस तरह से, 1 चैन बना के धागा कट कर देंगे, इसको टाइट कर। अब हम यहाँ पर दूसरा धागा लगाएंगे। तीन चैन लेंगे, 1, 2, 3, फिर हमें उसी तरह से बनाते जाना है। ये हमें बैक साइड से लेनी है, ये डबल क्रोशिया, इस राउंड में हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया लेनी है। जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट किया, जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट किया, वैसे ही हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है।
एक दो तीन, एक चैन तीन, फिर इसमें तीन डबल क्रोशिया लेनी है, एक दो तीन, फिर हमें तीन डबल क्रोशिया, एक चैन, एक दो तीन, एक चैन, तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर हमें ये इसी तरह से हर बार इसको बैक साइड से करना है। फिर तीन डबल क्रोशिया, एक चैन, एक दो तीन, एक चैन, फिर इसी में तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन। देखिए ये हमने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, एक चैन ली, फिर इसी में तीन बार और डबल क्रोशिया ली। तो ये हमें ये फ्रंट बैक साइड से लेना है, फिर तीन डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर बैक साइड से ये डबल क्रोशिया बैक साइड से, फिर हमें इसमें भी हमने तीन डबल क्रोशिया, एक चैन, तीन डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार बना दिए मैंने और ये पांचवे में तीन चैन लेके तीन डबल क्रोशिया लेनी है और फिर इसे तीन चैन लेके हमें छोड़ने हैं यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, इसे हमें बैक करके ऐसे जोड़ देना है। इसमें भी हमें तीन बार डबल क्रोशिया लेनी है, एक दो तीन, एक चैन लेनी है। अब हमें ये इसी तरह से हमें हम यहाँ तक ये आठ फूल बनाने हैं, एक दो तीन, एक चैन, एक दो तीन, एक फ्रंट साइड से जो हम बनाते आ रहे हैं उसे वैसे ही बनाना है, दो तीन, एक चैन, तीन डबल क्रोशिया, देखिए फ्रेंड ये हमारे चार बन गए हैं। अभी चार और बनाने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये हमने पांच लाइन पांच राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारी चोली बन के तैयार। देखिए दोस्तों ये हमारी पांच लाइन मैंने कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ से एक दो तीन चार पांच, अब हम आगे बनाएंगे, तीन चैन लेंगे, पलट लेंगे,
एक डबल क्रोशिया लेंगे यहाँ पर पास वाली चेन में इसको, ये हमारा ये जो फ्रंट साइड से लेते हैं डबल क्रोशिया फ्रंट साइड से लेंगे। अब हम इसके पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि एक दो और इसमें हम तीन डबल क्रोशिया एक चैन लेनी है, एक दो तीन डबल क्रोशिया और एक चैन, ये हो गए पांच। अब यहाँ पर हमें तीन डबल क्रोशिया लेनी है, एक दो तीन और इसके पास वाली चेन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया लेनी है, फिर इसके पास वाली चेन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया लेनी है इस तरह से, ये 10 हो जाएंगी डबल क्रोशिया हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। इस फंदे को हम ऐसे ही बनाएंगे आगे से फ्रंट साइड का, ऐसे में भी हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, दो इधर इस चैन के दो इधर लेनी है डबल क्रोशिया इसमें और एक चैन के ऊपर वाले में, एक दो तीन डबल क्रोशिया एक चैन इसमें लेनी है हमें चैन के अंदर, एक दो तीन डबल क्रोशिया एक चैन, फिर से इसी में तीन डबल क्रोशिया लेनी है, एक दो तीन डबल क्रोशिया और फिर इसके पास वाली चैन में चैन से बाहर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर ले लिया हमने, एक दो इस तरह से हम इसमें दो चैन के बाहर लेनी है इस चैन में पास वाली में और तीन तीन इस चैन के अंदर लेनी है, तीन डबल क्रोशिया एक चैन तीन डबल क्रोशिया इस तरह से 10 हो जाएंगे ये हमारे पास। इसी तरह से हमें पांच लाइन बनानी है, पांच राउंड कंप्लीट करके मैं बताती हूँ अभी। देखो फ्रेंड्स ये मेरे पांच राउंड पूरे हो गए हैं, एक दो तीन चार पांच। अब मैं यहाँ से ये धागा लगा ये ऊन लगाऊंगी, तीन चैन बनाएंगे, चैन डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये फ्रंट साइड से ही बनेगा, देखिए फ्रेंड पहले हमने यहाँ पे ये इस राउंड में ये पांच बनाई थी, पांच डबल क्रोशिया एक चैन और पांच डबल क्रोशिया, सॉरी इस बार हम इसमें यहाँ पे बनाएंगे छह से डबल क्रोशिया हो जाएंगी दोनों तरफ, छह डबल क्रोशिया यहाँ पे हो जाएंगे,
एक हम यहाँ पे बनाएंगे एक चैन और छह डबल क्रोशिया। ऐसे देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको, यहाँ से इस तरह एक दो तीन, तीन हमने यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के ऊपर ले लिया है, अब तीन हम ये चैन के अंदर लेंगे, तीन डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे चैन के अंदर, एक दो तीन, और एक चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, और फिर तीन हम यहाँ पर बनाएंगे इन में इस चेन में, एक दो तीन, इसे हम ऐसे ही लेंगे फ्रंट साइड से बनाते हुए, एक दो तीन, अब हम तीन इस शुरू में इस चैन के अंदर लेंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, और एक चैन लेंगे फिर तीन बार डबल क्रोशिया इसी चैन में, एक दो तीन, तीन इसके साइड वाली इन चैन में, एक दो तीन, ये इस तरह से देखिएगा। देखिए हमने यहाँ पर ना छह डबल क्रोशिया चैन, फिर छह डबल क्रोशिया, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरह से बनाते जाना है हमें, तो पूरा राउंड कंप्लीट करना है, फिर दूसरा राउंड, ये राउंड हमें एक ही बार बनाना है, दूसरा राउंड दूसरे कलर से हम बनाएंगे, इस वाले कलर से ही बनाएंगे दूसरा राउंड, जिस जैसे ये बनाया है, ये एक राउंड बनाया है बॉर्डर जैसे, उसी तरह यहाँ पर बनाना है एक राउंड इस रंग के बनाना है, फिर तीन राउंड इस कलर के बनाना है, उसके बाद पांच राउंड हो जाएंगे, एक राउंड ये, एक राउंड इसमें, दूसरा राउंड दूसरे कलर से ऊन की, फिर तीसरा राउंड इसी में आ जाएगा, तीसरा चौथा और पांचवा, तीन राउंड इस कलर की ऊन में बनाना है, पूरा बॉर्डर हो जाएगा, वो बॉर्डर बन जाएगा हमारा, फिर पूरा हो जाएगा ये फ्रॉक, पूरा बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए ये फ्रॉक मेरी पूरी बन गई है, और अभी बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगी, और इसे अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, थैंक यू।